अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा रोचक भी, कि यहाँ पर आपने सुना होगा कि अमेरिका में लोग डॉक्टर इंजीनियर बनने आते हैं, लेकिन उसके अलावा भी और बहुत सारे जॉब्स होते हैं जिसमें ज़्यादा अच्छी आपकी सैलरी मिलती है, उसके बारे में कम बात होती है। तो मेरा एक दोस्त आज डोर लगाने आने वाला है, प्लम्बर है, वो हैंडीमैन है और कई सारा काम करता है, अंग्रेजी बोलता नहीं है लेकिन फिर भी उसका काम एकदम चोखा रहता है, पैसा बढ़िया कमाता है। तो उसी के बारे में आज के इस वीडियो में आप देख और जान पाएंगे कि अमेरिका में इस तरीके का जॉब करने वाला जो है हैंडीमैन या प्लम्बर या मजदूर कितना पैसा कमाते हैं और फिर कैसे उनका काम रहता है। तो वो अभी आ ही रहा होगा, उसका नाम है फ्रेंड। ये भाई है हमारा दोस्त है फ्रेंड। दरवाज़ा जो है इसमें लगाना था और हमने बड़ा साइज ले आया 1 इंच, तो काटना पड़ेगा इसको, वो भी चिंता में है क्या करना पड़ेगा। तो मैंने ये बगल वाले से आरी लेके आया है इसको काटने के लिए, बड़ा मुश्किल से दिया है वो, देखते हैं कैसे होता है ये। वैसे सब चीज़ के लिए मशीन आता है यहाँ पर, लेकिन हम लोग जुगाड़ बना रहे हैं बस। देखो भाई ये सब करना पड़ता है मेरे काम। You got the vacuum? No. No. Okay. पुराने दरवाजा को निकाल के नया दरवाजा लग गया काट फिट के। That's gonna go on top or? Huh? That's gonna go on top. One go on top. Oh, okay. Put something on top. Probably yes or no, depends. Okay. चूंकि ये वीडियो मजदूरी के बारे में है या कुछ ऐसे काम के बारे में जो काम बहुत प्रचलित नहीं है, जिसके बारे में कई बार लोगों को नहीं पता चलता है, तो मैं कुछ और ऐसे ही काम होते हैं अमेरिका में जिसके बारे में आपको बता देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि यहाँ अमेरिका में भी इस तरीके के काम होते हैं। बहुत सारे जो काम होते हैं यहाँ पर वो बहुत प्रोफेशनल तरीके से होता है, चाहे वो आर्किटेक्ट का काम हो, चाहे वो प्लम्बिंग का काम हो, या मजदूरी का काम हो, या किसी और तरीके का। जो भी बिल्डिंगें बनती हैं यहाँ अमेरिका में, उसके लिए पहले शहर में परमिट लेना पड़ता है। अब कोई भी काम, छोटा से छोटा काम, बिना परमिट लिए नहीं कर सकते हैं। कई बार परमिट लेने में महीनों लग जाता है, चाहे आपको छोटा सा ही चीज़ क्यों ना फिक्स कराना हो, क्योंकि यहाँ पर लायबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू होता है। कि आप मान लो बाहर में काम कर रहे हैं, किसी को चोट पहुँच गया, तो सारा जो हर्जाना है अगर किसी को चोट पहुंचा तो वो फिर आपको देना पड़ता है, इसलिए परमिट बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बाहर में काम कर रहे हैं, बाहर में कचड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं या सरकार के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको बराबर टूल दिया जाता है जिससे आपको चोट ना पहुंचे, अगर आप काम भी कर रहे हैं तो। कई बार ऐसे भी होता है कि बाहर के देशों में, जहां तक मैंने देखा है भारत में, कि मजदूरों के साथ बराबर से ठीक से उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, तो यहां पर ऐसे बहुत कम होता है। आपको बराबर प्रोटेक्शन वाला सामान दिया जाता है, और सड़क में या कहीं पर भी कुछ अगर काम चल रहा होता है तो बराबर सब जगह नोटिस लिखा रहता है कि आप कितना स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं उस एरिया में, कितना स्पीड से नहीं चला सकते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे काम होते हैं जिसकी डिमांड होती है अलग अलग समय में। खासकर ये जो पब्लिक वर्कर होते हैं सड़क में जो काम करते हैं, उनका बहुत यहाँ पर डिमांड रहता है। ऐसे काम को ज़्यादातर लोग जो विदेश से आते हैं वो लोग करते हैं। कई बार साउथ अमेरिका से मजदूरी करने यहाँ लोग आते हैं जो अलग अलग भाषा बोलते हैं। जहाँ तक वीज़ा की बात है, तो कौन से देश के लोगों को वीज़ा आसानी से मिलता है यहाँ काम करने आने के लिए, वो मैटर करता है कि कौन से देश से आ रहे हो। निश्चित रूप से देश की बहुत बड़ी भूमिका होती है कि देश के, दुनिया के किस इलाके से आप यहाँ अमेरिका आ रहे हैं, उस आधार पर आपको वीज़ा मिलता है। तो कंट्री थोड़ा बहुत मैटर करता है, कि जैसे मान लो आप यूरोप में काम कर रहे हैं एक इंजीनियर के तौर पर, तो अगर आपके पास पहले से दूसरे देश का वीज़ा है तो एक हिस्ट्री बन जाता है ना आपके पासपोर्ट में भी, कि आपने दूसरे जगह में काम किया है, आपका रिज्यूमे उससे अच्छा लगता है, तो थोड़ी आसानी हो सकती है
अगर आपका जॉब कैटेगरी बहुत अच्छा टाइप का हो तो। और एक तरीके से ना ये दुर्भाग्य वाली बात भी है कि अमेरिका जो है वो यूरोप के लोगों को थोड़ा आसानी से स्वीकार करता है, जैसे वहाँ के लोग अगर वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो उनका थोड़ी आसानी से मिलेगी कंपेयर टू इंडियन, पाकिस्तानी या जो चीन से आते हैं वहाँ के लोगों की तुलना में। तो ऐसा है, गोरे लोगों का सिस्टम है तो उन्होंने बनाया है तो अपने फ़ायदे के लिए बनाया है। तो निश्चित रूप से अगर आप इन गोरे लोगों के देशों में काम कर रहे हैं या जो भी वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो थोड़ी आसानी होती है अगर वहाँ पहले से आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पर उसी तरीके के काम ढूंढने में। लेकिन अगर आप डायरेक्टली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश यहाँ से काम ढूंढ रहे हैं, जैसे आप मान लो इंडिया से हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, वहाँ मजदूरी करते हैं और यहाँ अमेरिका में काम ढूंढ रहे हैं, तो आपको उतनी आसानी नहीं होगी। तो कंट्री मैटर करता है कि कौन से कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं। साथ ही एक और अच्छी बात यहाँ पर जो मैंने देखा है अमेरिका में वो ये है कि चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, स्त्री हो, पुरुष हो या किसी और जेंडर के हो जिसमें आप कंफर्टेबल रहते हैं, उनको काम मिलने में दिक्कत नहीं होती है। वो लोग भी अलग अलग तरीके का काम करते हैं, महिलाएं भी लगभग हर तरीके के काम में हिस्सा लेती है और उनको उतना ही काम मिलता है जितने बाकी जेंडर के लोगों को। बाहर में जो काम होता है सड़क में, जैसे मैंने बताया, या आपको डिलीवरी करने का है, मतलब सामान डिलीवरी करने का, खाना डिलीवरी करने का, या फिर जो क्लीनिंग यहाँ पर काम होता है उसके लिए ऑफिशियल एक कंपनी होती है, या आप खुद अपना कंपनी खोल सकते हैं अपनी टीम के साथ। कई बार घर में साफ़ सफाई के लिए भी लोगों को हायर करना पड़ते हैं, वो पूरी टीम के साथ आते हैं और साफ़ सफाई करके चले जाते हैं। जहाँ तक सैलरी की बात है तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग मिनिमम वेज है, मतलब न्यूनतम सैलरी है, उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। लेकिन अगर आपका काम अच्छा हो तो आप अपने हिसाब से सैलरी तय कर सकते हैं खुद का, इसके लिए कोई लिमिट नहीं होता है। जैसे हमारा दोस्त है, उसने जैसे ठेका में लिया काम को कि एक दरवाज़ा लगाने के लिए उसने $200 लिया, मतलब तकरीबन 15-16 हज़ार। तो यहाँ का लगभग मिनिमम रेट एक तरीके से वैसे होता है कि प्रोजेक्ट के हिसाब से भी आप अपना जो मजदूरी है वो ले सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ही और जॉब्स हैं अमेरिका में जिसके लिए दरअसल लोग सोचते नहीं हैं, लेकिन ये जो हाथ से काम करने वाला जो चीज़ है वो बहुत बहुत काम आता है और वैसे ही स्किल की मुझे लगता है आने वाले समय में ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बस छोटा सा एक वीडियो था यहाँ के जो अलग तरीके के काम होते हैं, जो मजदूरी है या जो हाथों से किए जाने वाले काम है उसके बारे में, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो इस तरीके का काम होता है यहाँ पर अमेरिका में जो हाथों से किया जाता है, जिसके बारे में कई बार पता नहीं चलता है। तो सोचा मैंने अपने दोस्त के साथ में जो काम कर रहा है उसके साथ में ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और इस तरीके का जो वीडियो है अमेरिका में जॉब, एजुकेशन और कई तरीके की अपॉर्चुनिटीज़, उसके बारे में हिंदी में बहुत बेसिक स्तर पर जानकारी देते रहता हूं। तो चैनल से जुड़े नहीं तो सब्सक्राइब कर लिए रहना और हर हफ्ते नए वीडियो के लिए बेल आइकन को दबा दिए रहना। और बाकी फिर अमेरिका की किसी नई जगह को दिखाते हुए और कुछ नई जानकारियों का हिस्सा बनते हुए, शुक्रिया, जोहार।